हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड गाइस, आर्क सर्वाइवल रिबॉर्न का, आर्क सुप्रीम का। और गाइस आर्क सुप्रीम के पिछले एपिसोड में देख रहे हो मधुमक्खी की आर्मी टेम करी थी तुमने, तुम्हारे भाई ने। वैसे इनको मैंने इसे टाइम पास के लिए टेम नहीं करा है। ये मधुमक्खियाँ जो है ना गाइस, ये हमको ये हनी देगी। और इसी हनी के जो है ना गाइस कारण हम लोग जो है ना गाइस यहाँ पे भाई वो बना पाएंगे बी क्या बोलते हैं उसको, इस हनी से हम लोग किबल बना पाएंगे। और इस किबल की मदद से ही हम लोग डायनोस को टेम कर पाएंगे। सो अगर डायनोस को टेम करना है तो इन मधुमक्खियों को टेम करना जरूरी है। और पिछले एपिसोड में मैंने काफी सारी इन मधुमक्खियों को टेम करा था, बट आज हम लोग क्या करने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो बने बंदे होंगे यार चैनल पे, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको गेमिंग विद एंड्रू और हमारे ब्लॉगिंग चैनल का। सो दोनों चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। हमारा सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो है अनलॉक है। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक शेयर और डिसलाइक के साइड में एक थैंक्स का बटन मिल जाएगा, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको आर्क पीसी, आर्क मोबाइल या किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर बनाने, तो नीचे निट्राडो का लिंक है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप लोग किसी भी मोबाइल या पीसी गेम के सर्वर आसानी से बना सकते हो। तो जरूर चेकआउट कर लेना निट्राडो सर्वर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो गाइज अभी आज हम लोग को चाहिए, एक तो पहली बात मुझे फ्लायर चाहिए, मधुमक्खी है जिसके ऊपर मैं राइड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत स्लो है वो। तो पहला हमारा मिशन रहेगा एक फ्लायर टेम करना। दूसरा भाई मिशन रहेगा सीमेंटिंग बेस्ड अनलिमिटेड भाई यहाँ पे इकट्ठा करना, ठीक है। ये हमारे दो जो है ना गाइस काम आज के इस एपिसोड में मेन अपन लोग को करने हैं। और उसके लिए अभी देखो सीमेंटिंग बेस्ड तो ऐसा फ्री में मेरे को ना मिलेगा, आपको भी पता है। सीमेंटिंग बेस्ड के लिए जो है ना गाइस मेरे को जाना पड़ेगा चिटिन इकट्ठा करने के लिए, और चिटिन मेरे को मिलेगा वॉल्कैनो वाइब में अनलिमिटेड। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वॉल्कैनो वाइब में जाऊँ। यहाँ पे मेरी पहले से फट रही है भाई नॉर्मल वाइब में। यहाँ पे भाई पिछले एपिसोड में 10-12 बार मरा हूँ मैं, बट मैं सोच रहा हूँ फिर भी मैं वॉल्कैनो बायोम में जाके वहाँ पे दबाए मचाऊँ। वहाँ पे भाई चीटी भाई अनलिमिटेड इकट्ठा कर लूँ मैं, क्या बोलते हो, कैसा लगा प्लान? मेरे पास डेल्टा बी की जो है ना गाइस दो और स्पॉनर बचे हैं। चलो आ जाओ, आज कुछ तूफान ही करते हैं। हाँ तूफान थोड़ा सा स्लो है गाइस, स्लो है तूफान भाई, ठीक है। तूफान जो है ना गाइस वो पहुँचने में 4 जन्म लगेंगे, बट मैं रस्ते में ना ये डेल्टा वाला, अगर मैं नहीं यार डेल्टा वाले डानों का टॉर्पर भी तो बहुत ज़्यादा होता है ना यार, ट्रायंगल बना लूँगा क्या? ये ट्रायंगल बनाता हूँ, डेल्टा केबल के लिए क्या चाहिए बताओ मुझे भाई। डेल्टा केबल कहाँ पे बनेगा? डेल्टा एसेंस चाहिए, डेल्टा हनी चाहिए। रुको मुझे डेल्टा वाले पीडी दिखे थे, अगर मैं उसको बेहोश कर पाऊँ तो हमारा काम 25 हो जाएगा बराबर। अरे यार ये 20 भाई अटका देते हैं यार। अनफॉलो कह रहे ना, ये अनफॉलो नहीं होगी भाई इसका, भाई रुक जाओ सुखराव कर लें इसको, यहाँ पे डाल दें। नाइस रुको, और किबल कहाँ बनते बताऊँ? मैं डेल्टा वाला पीटी टेम कर लेता हूँ ना गाइज। इसेंस रुको आधा डाल दे इधर, इसेंस बना लें 150 इसेंस बन गए, डन। किबल बताओ, किबल के लिए क्या चाहिए? डेल्टा हनी, हनी हनी किधर हो हनी? इधर है हनी। नहीं हनी के लिए फ्लावर चाहिए होगा डेल्टा वाला, और कोई बताओ फ्लावर कहाँ पे बनेगा? डेल्टा वाला रेयर फ्लावर नॉर्मल ये ले 400, डेल्टा वाला फ्लावर बन रहा है बनने दो आराम से, ज़्यादा नहीं बस, डन डन ठीक है। डेल्टा हनी बनानी है, डेल्टा केबल तो इजीली बन जाएगा यार, बन गया डेल्टा केबल। ये अपनी डेल्टा हनी यहाँ पे डाल दिया भाई, बन जाएगा डेल्टा हनी, बन गई गाइस यहाँ पे। अरे यार व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो हैं। चलो कोई ना भाई कोई ना, एक केबल से तो पीटी टीम नॉक, अरे एक मिनट रुक जाओ, उसको नॉकआउट कैसे करेंगे वो थोड़ा सा सोचने दो। केबल्स बनाने के लिए अमन बेरी चाहिए, अरे अमन बेरी ले ये ले, डन। ये केबल बन गया, एरो डेल्टा एरोस नॉर्मल एरोस फर्स्ट बना ले। नार्कोटिक चाहिए, एफएम के बेंच अभी काम आएगा अपने। स्पॉइल मीट कितना है बताऊँ? नार्को बेरी मेरे पास पड़ी है, स्पॉइल मीट 7 है। नार्कोटिक कितना बनेगा बताओ? 7 में 25 35 35 नार्कोटिक। डेल्टा वाले एरो बना लीजिए, डेल्टा वाले एरो ज़्यादा पावरफुल होगी या फिर नॉर्मल वाली जो भी। स्पॉइल मीट चाहिए, मुझे पता नहीं भाई स्पॉइल मीट है, घर पे पड़ा हुआ था शायद, पड़ा हुआ था भाई। डन 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 ले भाई 170 भाई कितना बन रहा है ये भाई, बहुत ज़्यादा बन रहा है यार। अच्छा घर में बहुत ज़्यादा स्पॉइल, अच्छा ऊपर अपने वो है ना गाइस आग लगी हुई है जिसमें मीट डाला था मैंने कुक करने के लिए,
उसमें स्पॉइल मीट बना होगा पक्का, इसमें इसमें यहाँ से स्पॉइल मीट मिला, ये देखो लगाया था मेरे को भाई कि इधर ही स्पॉइल मीट होएगा, ये लो कर लो भाई, ये लो और स्पॉइल मीट जमा कर लो तुम, रुको। और नहीं, मीट स्पॉयलर में था स्पॉइल मीट, यहाँ पे मैंने कल डाला था स्पॉइल होने के लिए, ठीक है रुको। अभी क्या करना है, बो बना लो, पावरफुल वाली असेंडेड बो बना लेनी है। मैं जाके डेल्टा पीटी को नॉक करूंगा, डेल्टा पीटी का ये मत बोलना यार कि अलग सैडल होगा यार, नहीं यार डेल्टा पीटी का बोल रहा है अलग सैडल है यार, तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। डेल्टा हाइड है मेरे, नहीं डेल्टा पीटी का सैडल बन जाएगा इजीली बन जाएगा, टेंशन ही नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का भाई। इसको असेंडेड बना ले, बना असेंडेड बेस क्या बना असेंडेड, नाइस वन बन गई। यहाँ डाल इसको, ये कर यहाँ पे ब्लूप्रिंट से बना लो भाई। डेल्टा वाला पीटी डेम करने का टाइम आ चुका है गाइस, सबकी बैंड बजा दूंगा। और सर्वर ना थोड़ा सा बूस्टेड है, मैं जो ना अगले एपिसोड में थोड़ा उसको कम भाई बूस्ट करूंगा, क्या बूस्टेड सर्वर पे डिफिकल्टी नहीं होती है ना, तो मजा नहीं आता यार तुम्हारे भाई को, डिफिकल्टी चाहिए मेरे को डिफिकल्टी, ठीक है समझ रहे हो, डिफिकल्टी होती है ना तो मजा आ जाता है एकदम फुल टू। अभी मुझे ये बताओ डेल्टा एरो 11 से काम बन जाएगा, नहीं बना तो कोई ना, थोड़े एक्स्ट्रा बना लेते हैं, बस 30 से काम बन जाएगा। अभी मुझे और कुछ तो चाहिए था, किबल ले लिया, एरो ले ली, और क्या चाहिए था मुझे, कुछ तो और चाहिए था कि मैं भूल रहा हूँ लेकिन, अरे सैडल मेरी जान, सैडल पीडी का सैडल इन्वेंटरी में बनेगा क्या ना, सो मुझे बताओ कि सुप्रीम वाला बेंच स्मिथी कहाँ पर, सुप्रीम गाचा कलेक्टर ये तो लगा रखा है मैंने, बेंच यस ये रहा, ओके बन गया, नाइस वन जीजी, यहाँ पे लगा दो साइड पे सा टेढ़ा करके लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है यहाँ पे पीडी का सैडल बना दो, डेल्टा पीडी सैडल, हाइट चाहिए ना तुमको खाली, ये लो हाइट लो, पता ही था मुझे हाइड ही चाहिए, बन गया सैडल, लेट्स गो बॉयज, मैंने पीटी भाई देखा है, मेरे को पता है पीटी कहाँ पे, चले 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 गाइस, डेल्टा वाला पीटी आएगा उसको लेके जाएंगे और सब भी बैंड बजा के आएंगे, मेरा पहला फ्लायर गाइस, जिंदगी का पहला फ्लायर गाइस मैं टेम करने वाला हूँ आज यहाँ पे, ठीक है भाई। कितना एपिसोड नंबर 4 भाई, ओ वो रहा जमीन पे बैठा है भाई, भी थोड़ा तेज चलोगे आप, वो क्या है यार, इससे बचना पड़ेगा यार, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्राइक लोग ना भाई पता नहीं क्यों बट ऐसे उंगली करने आ जाते बीच में भाई, यार उड़ गया भाई, बताओ कैसी किस्मत होगी मेरी, झंड भाई मैं जब वहाँ पे पहुँचा उड़ ही गया भाई ऊपर, अभी ना मेरी किस्मत इतनी फालतू है ना, नीचे ना बैठेगा वो देखना गाइस, लेकिन मैं टेम तो करूँगा भाई इसको, 100 लेवल है यार खाली, चल जाएगा लेकिन भाई पीटी तो है, पानी के ऊपर उड़ रहा है यार मेरी जानू, अभी वो पानी के ऊपर उड़ रहा है भाई, मैं भाई बोला मार सकता हूँ, नहीं मार सकता ना वहाँ में, पानी के ऊपर उड़ रहा है, पानी में बैठ भी नहीं पाएगा इसको, इधर आना पड़ेगा, इधर आना इधर, अरे पीटी मेरी जान कम ना, इधर भाई उधर नहीं क्या, आगे ढूंढ लूँ मैं भी, एक और पीटी मिल जाए डेल्टा वाला, इसके भाई टेम होने के चांसेस 0 है क्योंकि ये बैठेगा नहीं, क्योंकि बैठने के लिए यहाँ पे पानी है खाली, देखो आएगा सही लेकिन उड़ जाएगा तुरंत क्योंकि वहाँ पे पानी है खाली भाई, ठीक है उम्मीद करो डेल्टा वाला एक और पीटी मुझे मिल जाए, ये पीटी नहीं होने वाला, ये मधुमक्खी अगर तेज होती ना तो भाई मैं उस पीटी को कर लेता, रुको अपोजिट साइड बैठेगा वो ना, इधर ही आ रहा है, जाना अपोजिट साइड बैठना भाई, आ रहा है रुको यार, इसके पीछे पीछे तो भाई टाइम लग जाएगा बहुत, अपोजिट साइड भी बैठेगा कि नहीं पता नहीं है ना, नहीं यार ये इधर उधर घूमते रहेगा, रुको मैं दूसरी पीढ़ी को देखता हूँ जो का भाई गाइज यहाँ पे ना जमीन के नज़दीक हो और ज़मीन पे बैठने के उसके चांसेस ज़्यादा हो, अरे नहीं मुझे लगा वहाँ पे जाके बैठ गया भाई, नहीं बैठा रुको चल दे चलो भाई, बहुत ज़्यादा स्लो है और एकदम साइलेंट मोड पे चलता है, आवाज़ भी नहीं करती कुछ भी, वो रहा ना ना वो डेल्टा वाला वो पंछी नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो अभी पीटी ही चाहिए, पीटी तेज भी होता है भाई काफ़ी ज़्यादा, देखते चलो कहाँ पे मिलता है हम लोग को डेल्टा वाला पीटी गाइस, रुको। A few moments later. पीटी मिल चुका है, एक नहीं दो बट खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है खतरा बहुत ज़्यादा है, इसकी लेवल है 200, इसकी लेवल है 400, भाई जल्दी चलना
पैरासोरस है वहां पे, रैप्टर है वहां पे, ओह शिट, और वो इंसान भी है वहां पे। आई डोंट नो भाई उस इंसान से कैसे बचूंगा मैं, बट मैं कोशिश करता हूँ इसको भाई नॉकआउट करने के। रुकूँ इसको टेम कर डाला हूँ, लैब झिंगा लाला हो जाएगी। अबे लग क्यों नहीं रहा है, व्हाट ये बोल रहे हैं कि जो पीटी है उनको बोला नहीं हो सकता तुम्हारे भेस क्या। वो एक फुट के में नॉकआउट, नाइस। अबे जीजी भाई, अबे जल्दी कर भाई, एक फुट के में नॉकआउट हो गया, ये तो अनविश्वसनीय चीज हो गई। जल्दी अभी जल्दी सैडल पे ना, उठ ले यहाँ से भाई। वो इंसान थे यहाँ पे भाई, वो खतरनाक से इंसान, और वो ना भाई, अबे ये क्या स्पॉन कर रहे हैं, इसको क्राई कर ले जल्दी, कल्टी मारे यहाँ से ऊपर चल पहले। ये देखो भाई, वो भाई बर्ड्स भी स्पॉन कर रहे हैं वहाँ पे, एक इंसान है जो कि भाई अपने लिए ना डिलोपोसोरस स्पॉन कर रहा है, ठीक है। मैं तो भाई यहाँ पे भाई रुकना भी नहीं चाहता हूँ, मैं तो भाई सीधा कल्टी मार रहा हूँ यहाँ से भाई। रुको भाई, पीटी की हेल्थ बढ़ा ले पहले, 8000 स्टैमिना बेस किया भाई, 8000 स्टैमिना, हाँ बूस्ट काफ़ी ज़्यादा है गाइस यहाँ पे सर्वर को, आप देख ही सकते हो हेल्थ एक पटके में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इसकी, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा भाई गलत चीज़ है भाई, मज़ा नहीं आएगा इतने में। इसके लिए इसको मैं 1 या 2x रख दूंगा, और डैमेज भी बहुत तगड़ा है यार, डैमेज में थोड़ा सा कंट्रोल में कर लूँगा, ताकि जो ना गाइस सीरीज मज़ेदार बनी रहे, ऐसे नहीं कि इजी पीजी हम लोग ने भाई उड़ा दिया किसी को। बट अभी जो ना गाइस मुझे जाना है भर भर के जो ना गाइस इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे केरेटिन, और वो मैं करके रहूँगा आज भाई। आज भाई अपन लोग को डेल्टा वाला पीटी मिल गया, मुझे लगा भाई ले अपनी कहानी यहीं पे खत्म, अपन से कुछ टीम नहीं होने वाला, बट एक फटका मार के जैसे मैंने इसको भाई बेहोश करा ना भाई, मेरे को तो भाई इतनी खुशी, भाई इतनी खुशी मिली ना भाई, क्या बताऊँ, एक फटके में बेहोश हुआ। मैं ट्राई भी नहीं करने वाला था, मैंने सोचा चलो भाई ट्राई करके देखता हूँ, वरना मैं डायरेक्टली भाई वैसे ही जाने वाला था। मैंने सोचा भाई छोड़ो भाई कुछ नहीं होने वाला अभी, बट अच्छा हुआ मैंने ट्राई करा, और अपने पास गाइस ये पीटी है अभी, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ओह सेबर टूथ्स, दो दो मिलियन, तीन तीन मिलियन वाले, थोड़ा दूर रहे इनसे भाई, पेटी बना देंगे बहुत गंदी वाली वो भी, ठीक है। मेरे को तो भाई जाके चिटिन लेके आ रहा है भर भर के, और चिटिन, ओह ये क्या चीज़ है, अच्छा भाई क्रेंटो है भाई, दो दो मिलियन वाले एपेक्स क्रेंटो भाई एक साथ भाई बैठे हुए हैं, शेरू शेर आला ले गया अपना, ये लायन भी है भाई यहाँ पे, सही है। चलो मुझे ऑर्गेनिक पॉलीमर भी चाहिए भाई, ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल गया तो मैं सोल गन भी बना लूंगा डायरेक्टली, सोल गन टेलीपोर्टर सारी चीजें बन जाएगी। ऑर्गेनिक पॉलीमर, ओह शिट, व्हाट द हेल इज दिस, फायर रेक्स ज्यादा ही ओपी नहीं है, हैं बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है फायर रेक्स भाई। मैंटिस, ओह शिट, नॉर्मल मैंटिस नहीं है क्या सर? सर मतलब ऐसा हमारे लिए कोई नॉर्मल मैंटिस नहीं है, ये बड़े बड़े से खतरनाक से डरावने मैंटिस यहाँ पे भरे पड़े हैं, जिनको मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है मेरे लिए। सीमेंटिंग बेस्ड अगर मुझे चाहिए ग्रीन हाउस बनाने के लिए ना, ओ शिट, व्हाट द हेल इज दिस, बेबी रिपर, ये मेरे को नहीं पता था, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा भाई वो भाई वो है कुछ तो, क्या बोलते उसको अपना, अरे यार वो क्या होता है भाई छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा स्पाइडर है, स्पाइडर इसलिए गया यार मैं, सॉरी हम शॉली बाबू। देशद्रोही, मैं उसको मारा और हार्वेस्ट ये करा भाई, मैंने मारा उसको ना, मैंने मारा ना सर, मैंने मारा ना, हार्वेस्ट कैसे करो, हार्वेस्ट कैसे करा तूने, ये ले तुझे मारता है, मारेगा बात शेमड़े, लकी लिंग चार बाढ़ में जा, लकी लिंग चार मारा कैसे उसने, आराम कर कही का दो, ए वो डंग बीटल, बीटल भी टेम करके जाऊंगा मैं यहाँ से, डंग बीटल वगैरह जो है ना वो भी टेम करके लेके जाऊंगा अपने घर पे। स्पॉइल मिट है ना, अरे नहीं यार मिट स्पॉइल में कितना टाइम, अरे मिटी नहीं है भाई ये रहा, स्पॉइल मिट होने में टाइम है भाई, चलो कोई ना भाई, पीटी में अपने खजाना है भाई, सब फुल खजाना है। कौन सा मैंटिस, एपिक्स मैंटिस है रे यार, ऑर्गेनिक पॉलीमर वैसे मिल गया मेरे को, इसी कोई बात नहीं है, ऑर्गेनिक पॉलीमर मेरे को मिल गया भर भर के, बट फिर भी थोड़ा सा जो ना गाइस मन कर रहा है मेरे को जाके मारने का मैंटिस को। इतने से पता नहीं मुझे सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो बनेगी कि नहीं, चिटिन तो मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होगा भाई, 20-30 हज़ार चिटिन कम से कम चाहिए होगा मुझे,
तो सब एकदम झुंड में स्पाइडर वगैरह कुछ अगर मिल जाए ना तो मजा आ जाए। उनको मार के फायर रेक संभल के बैट से यहाँ पे भाई साहब, भाई वो देखना मुँह से आग भीग छोड़ रहा है ये फायर रेक्स, भाई बहुत खतरनाक लग रहा है। को मैं तो निकल लेता वैसे चुपचाप, कल्टी मार लेता होगा इस हम लोग को ना, नॉर्मल डायनोस को मार के ही यहाँ पे चिट्ठी निकट्टा करना पड़ेगा। मार सकता है को तो क्या होगा, राइडर को तो नहीं उड़ाते ना यार तुम लोग, बोला राइडर को उड़ाते तो दिक्कत हो जाएगी, राइडर को नहीं उड़ाते भाई। बूस्टे सर्वर है काफी ज्यादा इसलिए इजीली मर रही है, ठीक है मैं बूस्ट थोड़ा कम कर दूंगा आज के लिए भाई, थोड़ा सा रख लेते हैं आज के लिए रख लेते हैं, अभी तो फिलहाल के लिए मैं कुछ चेंजेस नहीं कर सकता ज्यादा, ठीक है तो आज के लिए रख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाता है ना वरना गाइस। मैंटिस है नॉर्मल वाला, मैं खा मैं मारूंगा ये खा जाना, मैंटिस को मारने से ज्यादा वो मिल रहा है, फायर ही है ना क्या करेगा बे। मेरा स्टैमिना खत्म है, मेरे को टॉर्पोर चढ़ सकता है और ऐसे टाइम पे मैं फायर मैंटिस से पंगे ले रहा हूँ। अगर मेरा हीलिंग पोशन गलती से भी खत्म हुआ और मेरे पीडी को टॉर्पोर बिरपोर चढ़ा गलती से भी खत्म से काफ़ी ज़्यादा मिलता है यार सामान, काफ़ी ज़्यादा मिलता है, गर्मी हो रही है ना, रुक जा भाई, चीज़ें लिए बिना नहीं जाऊँगा मैं। मिड से नहीं होगा, पॉटी से ह्यूमन पॉटी 3 चाहिए होंगी, स्पॉयल मिड 2 चाहिए होगा बोल रहा है भाई, स्पॉयल मिड ही नहीं है, स्पॉयल अभी क्या हो गया यहाँ पे चीज, स्पॉयल मिड मिलता तो काम आ जाता, बट काम हो जाता, बट स्पॉयल मिड ही नहीं है। इनको भी मारते बाद में आऊँगा मैं इनके लिए, ठीक है इनके लिए बाद में आऊँगा। मुझे सीमेंटिंग बेस चाहिए थे, मतलब चिटिन चाहिए थे सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए, मुझे भाई लगभग 20,000 मिल चुका है, मुझे 30,000 भाई यहाँ पे ना टोटल 30,000 लेके जाना है चिटिन, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ 30,000 500,000। और मैंटिस को मारता हूँ ना तो बहुत चिटिन मिलता है गाइस, बहुत ज़्यादा मात्रा में पता है, इसलिए मैं मैंटिस को ही मार देता हूँ चिटिन के लिए। रुको देखो 3,000 चिटिन भाई, 5,000 हो गया चिटिन डायरेक्टली, 5,000 हो गया भाई, मैंटिस को ही मारूंगा मैं। मरो ना भाई मरो ना, मर जा बेचिया भाई, अल्फा टाइटन बॉब मरने का नाम नहीं ले रहा, कॉर्पोर ना चढ़े गई पे, ठीक है रुको, ऑब्सिडियन की भी जरूरत पड़ सकती है भाई, आज तो पीडी से ना तो भाई मचा दूंगा वोल्केनो पर, मैं ऑब्सिडियन भी लेके चलूंगा, जितने रिसोर्स मिल रहे हैं ना सब लेके चलूंगा, किसी चीज की कमी ना पड़े वापस। खा जाए इसको, इसको भी खा, मर बेच क्या, कितना मिल गया 8,000 और ना, 8,000 और मिल गया इस मेरे को, ठीक है चलो आज शिट से पंगा नहीं, सबकी बैंड बजा डाली अकेले ने, वो अकेले ने सबकी बैंड बजाई है, वो देख रहे हो, वो इंसान मामूली इंसान नहीं है, मामूली इंसान नहीं है, मिलियन मिलियन में हेल्थ होती है ना उनकी बैंड बजाई है, प्राइम वाला है ट्राइब मैन, बम डाल के खल्लास। वो देखो मैंटिस आ रहा है, उसको मारने एक मैंटिस आ रहा है फायर वाला, चल वे देखना गाइस, आप खुद देखना अभी, अभी खुद देखना क्या होता है, हो गया बम डाले मैंटिस की आवाज टाइट, हेलो गया, इतने जल्दी तो मैं नहीं मार पाया था फायर मैंटिस को, जितने जल्दी वो भाई देखो तब खल्लास खल्लास हो गया, किल गया गाइस, है कि नहीं खतरनाक हो, ये ट्राइब मैन हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम साबित हो सकते हैं, बाकी और कोई नहीं, उसने जो लाशें भाई मार के रखी थी ना उन्हीं को हार्वेस्ट करके मैंने एक्स्ट्रा भाई वो इकट्ठा कर लिया, बता यहाँ पे भी भाई लाशें पूरा, मुझे लगा था मैंने क्लियर करा था, तो इन लोगों ने क्लियर करा, पीछे नहीं आना चाहिए, संभल गया गाइस, तो बड़े बड़े बिच्छू को मार दिस यार, बड़े बड़े बिछुआ को भाई खल्लास कर दिया बिच्छू को, ठीक है भाई संभल के, फायर बियर वाले को संभल के, नहीं नहीं भाई चीटिंग चाहिए था, सॉरी अंकल तुमको लग गया होगा गलती से, तो भाई गलती से लग गया होगा तो सॉरी, मैं निकल रहा भाई, मेरे को बस चीटिंग चाहिए था और कुछ नहीं भाई, हो गया क्या जितना चीटिंग चाहिए था,
अरे उससे ज्यादा हो गया, 10,000 एक्स्ट्रा ले लिया है। ये भाई ये एरिया काफी खतरनाक है, ट्रैप भी मैम घूम रही है। देखो ये देखो गाइस, रिपर का बच्चा घूम रहा है भाई, इलेक्ट्रिक बेबी रिपर भाई, रिपर के बच्चे बच्चे घूम रहे। इसी ने तो हमला करा था मेरे ऊपर, इसी को स्पाइडर समझ के गया था मैं मारने के लिए। अभी चलते हैं गाइस हम लोग ना बीवर डैम पे, बीवर डैम से हम लोग एक्स्ट्रा सीमेंटिंग बेस लेंगे। चलो आ जाओ भाई, काम हो गया भाई। ऑर्गेनिक पॉलीमर का, ऑर्गेनिक पॉलीमर मिल गया भर भर के, ऊपर से चिटिन का चिटिन मिल गया भाई, भाई भर भर के चीजें मिल चुकी हैं। अभी बस घर पे जाना है, कुछ इक्विपमेंट्स बना लेने हैं और सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए डाल देना है गाइस, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले तो मैं अभी बीवर डैम पे चलता हूँ, वहां से भर भर के सीमेंटिंग बेस ले लूंगा। A few moments later. भाई यहाँ पे वो भी है गाइस, रुको, क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्स का, अच्छा इसको टेम करने के लिए बस। अरे बस ये भाई बॉस एंड है क्या, बॉस एंड को मारो गोली। देखो ये बताऊं भाई यार, ये अनफॉलो नहीं होगा भाई, रुको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़े से स्टोन जो है ना भाई, एक मिनट रुक जाऊं, स्टॉप फॉलोइंग करना बिहेवियर में, मीडियम इनेबल डिसेबल अलाय लुकिंग इग्नोर फॉलो रेंज लोवेस्ट डिसेबल, स्टॉप फॉलोइंग का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। चलो इसके थोबड़े पे 3 स्टोन डाल देने मेरे को, कितने गाइस, 3 स्टोन, और देखना है गाइस की है उनको खाता है कि नहीं। ये हमारा पिछली बार ऐसे कटा था और फ्री फंड में मारा गया था हमें। ये ले भाई, बैठा हुआ बैठा हुआ बैठा हुआ बैठा हुआ, मुंह पे डाल रहा हूँ इसके स्टोन, खा ले चुपचाप भाई। तेरे स्टोन थोबड़े पे डाले, तू बोल रहा है स्टोन खाएगा, खा रहा है अभी, खा रहा है रे, खा रहा है गाइस। टेम हो रहा है, 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 रुको स्प्लिट ऑल कर बेस कैप भाई, हर तरफ पे भाई, भाई हो गया भाई काम, 25 हो गया, काम 25 हो गया भाई, हर तरफ डाल दूंगा भाई, जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उस डायरेक्शन में डाल दूंगा। आज तो रिसोर्स गाचा भाई टेम होके रहेगा भाई, आज तो रिसोर्स गाचा टेम होके रहेगा कैसे अपन से। हर जगह पे भाई स्टोन ही स्टोन डाल दूंगा मैं बेस के अकेले। ये ले भाई, ये ले, खा ले भाई, तू खा ले भाई, 60% हो गया भाई, बचाड़ी लाइफ, लेट्स गो, लेट्स गो ब्रो, लेट्स गो ब्रो। भाई आज लकी डे लग रहा है, आज ज़्यादा मरा भी नहीं हूँ मैं भाई, 80% टेम होने गया, हो गया हो गया हो गया भाई। वो निकाल दे सोल बॉल, निकाल दे ये रे सोल बॉल्स, ठीक है भाई, हो गया टेम भाई, हो गया टेम गाइस, रिसोर्स वाला गच्चा मिल गया मेरे को। बाकी ये स्टोन बिन भाई एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा भाई इकट्ठा कर रखे हैं ना मेरे को भाई, गलती से आ गया था ये, रुको गाइस अभी वो कहाँ पे बॉल, हाँ इसमें इसको क्रायो कर लें। हेलो सर, हमको टेम होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे घर पे ना स्टोन की कमी है भाई, बहुत ज़्यादा मात्रा में, सो अगर मैं यहाँ पे आ ही गया हूँ तो भर भर के स्टोन जो है ना गाइस वो ले ही लेता हूँ गाइस मैं, ठीक है रुको। हाँ ना भाई, हाँ भाई स्टोन ले ही लेता हूँ, घर पे स्टोन नहीं है गाइस, सीमेंटिंग पेस्ट बनाने के लिए भी स्टोन नहीं है घर पे। भर भर के भाई, भर भर के ये ले, मारेगी मेरा पीटीन को उड़ा देगा भाई, मेरा पीटीन का गेम बचा डालेगा। 30,000 का स्टोन चाहिए मेरे को टोटल, 30,000 ज़्यादा नहीं, 30,000 बस, 30,000 का, ठीक है चलो रुको हमला ना कर दे, 30,000 स्टोन इकट्ठा करते करते मैंने शायद से 10,000 भाई लग गए, नहीं बाप चिपका दिया थोपड़े से, अरे माँ क्या, लालच लालच और कर ले, लालच स्टोन चाहिए, किधर डालेगा स्टोन वो बिस्क्योक, अरे यार स्टोन मेरे घर के साइड में भी मिलते हैं गाइस, स्टोन मेरे घर के साइड में भी मिलते हैं, मेरे को चुल मची थी वापस स्टोन लेने। हाँ मार भाई, मार ले भाई, मार ले, मार ले भेज गया। अरे यार बम मेरे थोबड़े पे चिपका डाले, दिल से बुरा लगता है भाई। चलो चल के अभी वहाँ पे चल के छुप छुप के पहुँच जाऊँगा, अभी उसका सीन नहीं है यहाँ पे, कोई ओपी सा वैसा डायनो नहीं है जो अटैक बिटैक हमला बिमला कर देगा।
ये छोटू डोडोर इसको छोड़ के। यार ये देखो है कि नहीं, अनलिमिटेड स्टोन। वहां पे स्टोन उठाने भेज क्या, और वो कहां से आ गए यार? इतने टाइम तक तो थे नहीं वहां पे यार, कहां से आ गया अचानक से बताओ मेरे को। वह ऊपर से थोबड़े पे चिपका डाले उन लोगों ने बम, पता है मेरे मेरे थोबड़े पे बम चिपका डाले डायरेक्टली। पता नहीं कौन से भाई फेविकॉल व्यूकॉल लगा के लाए थे भाई बम को, थोबड़े पे चिपका डाले सीधा। मार ले भाई, तू भी मार ले, क्या करें दिन खराब ही। मार ले भाई, मार ले मार ले भाई। बी को लेके चल घर पे भाई, घर पे बेड ही नहीं लगाया मैंने, करीब हो ना भाई, क्या करे। बी को लेके चल रहा हूँ, रुको, और कोई चॉइस नहीं मेरे पास। पीटी को बचा पाऊंगा कि नहीं मेरे को पता नहीं इसका भाई, क्योंकि वो पैसिव नहीं होता एक तो भाई, और मैंने ना ही उसको पैसिव करा था, मेरे कमांड ही वर्क नहीं कर रही है। रुको मैं घर पे जाके बी को लेके सीधा निकल लेता हूँ वहाँ पे, ठीक है। यार क्या किस्मत है भाई, सीमेंटिंग बेस लेने गया था, स्टोन लेने लग गया। जब तक मुझे पता चला कि मेरे लग गया, मैंने पीडी को वापस बुलाया, बट पीडी मान नहीं रहा था, पीडी उनके पीछे पड़ा हुआ था। मैंने उसके ऊपर बैठने की कोशिश भी करी पीडी के ऊपर, सक्सेसफुल नहीं हुआ। अरे क्या करें, क्या वॉरियर डाल दिए यार इन लोग, ऐसे थोड़ी वॉरियर डाल दे यार भाई, ऐसे थोड़ी वॉरियर डालते यार। चला भी जल्दी जल्दी सेफली पहुंचा तो देगा उस एरिया में मेरे को ये मधुमक्खी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन पहुंचा देगा। 3 days later मेरी पेटी के साइड में भाई वो इंसान मेरे को बैठे हुए दिख रहा है, मेरे को इंसान बैठे हुए दिख रहा है, मेरा पेटी भी दिख रहा है, क्या करूं? पेटी के ऊपर बैठ जा और इनको डिस्ट्रैक्ट कर ले, मस्त प्लान है, डिस्ट्रैक्ट कर लूंगा। पीटी आना। ऊपर एक इंसान बैठा हुआ उनका, लालच पीटी पे बैठना नहीं, लालच करूंगा मेरे को लालच करना है। चलो चलो वहां पे एक भाई, मेरे को भाई पता नहीं कुछ भाई, इसको इसको क्रायो कर, कल्टी मार। अबे जल्दी वो सोल बॉल कहाँ पे भेज गया, कहाँ ये रहा, क्रायो कर कर कर। एलिमिट 300 मिल गया मेरे को इनको हार्वेस्ट करने से। अरे भैंस क्या एलिमेंट मिल गया भाई, तेरे अंदर कुछ है क्या? इसके अंदर हनी बनाने के लिए डाला था ना, भूल गया मैं। जल्दी चल हार्वेस्ट कर, कच करके कुछ मिला? हाँ 300 एलिमेंट मिल गया भाई, मजे ही मजे गाइस, मजे ही मजे। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी खतरा है रे, सीमेंटिंग पेस्ट लेने जाऊंगा जिंदा बच के नहीं आऊंगा भाई। बॉस भी तो है नीचे, वो एंड बॉस है भाई, वो सबसे कम खतरा कहाँ पे पता है? यहाँ पे। ये कौन चीज है? एपेक्स टैंक है भाई, टैंक से डरते हैं हम लोग, टैंक मेरे इस पे बेच क्या। गाइस चलो भाग, बेच क्या निकल ला भाई, भागने दो अभी चुपचाप। अरे बेच क्या, ये क्या चीज है? निकल ऊपर ऊपर और ऊंचे, नाइटमेयर चार्चा भाई। नहीं भाई नहीं भाई, नंगा हो चुका हो अभी, जो भाई चड्डी बची हुई वो भी नहीं उतारनी है मेरे को भाई। निकल ले भाई, निकल ले मिट्टी यहाँ से। बेस क्या बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है, बट मैं खुश हूँ मेरे को भाई 600-700 एलिमेंट मिल गए भाई। मैं ट्रांसमीटर रेप्लिकेटर क्या क्या नहीं बना सकता हूँ भाई, मतलब वो जो स्वॉर्ड्समैन बिड्समैन जो भी भाई गार्डियंस घूमते हैं भाई, वो इंसान लोग, उनको मारने से लूट तगड़ी मिलती है। हाँ वो होते भी खतरनाक है बट मारने से लूट भी मिलती है तगड़ी। और मेरे को लग रहा है पीटी ने उनको मार गए या तो वो खुद के बम से भाई मर गए। वहां पे एक और ऊपर बैठा हुआ था लेकिन लकीली उसने मेरे को देखा नहीं जब मैं नीचे कूदा, ठीक है, और मैं बच गया गाइस यहाँ पे। फाइनली घर पे वापस आ चुका हूँ, कपड़े पहन लिए अपने, पूरा नंगा कर दिया मार मार के सारों ने भाई। रिसोर्सेस जो लेके आया हूँ पहले वो यहाँ पे डाल भाई, रिसोर्सेस यहाँ पे डाल बनाने के लिए। सीमेंटिंग बेच चाहिए होगा मेरे को, डाल बेच कर डाल भाई 1000। नाइस फोन बनने दो, सीमेंटिंग पेस्ट भाई, ग्रीन हाउस बना लेंगे हम लोग भाई, ग्रीन हाउस बना लेंगे। स्टोन ज़्यादा नहीं है, स्टोन लेके आऊँगा मैं, टेंशन नहीं है भाई, स्टोन का टेंशन ही नहीं है भाई, तुम टेंशन ना लो। ऑर्गेनिक पॉलीमर इधर डाल, किधर है वो बीन, किधर है भाई? अब बीन में कुछ रखा ही नहीं है भाई, संभल के रुको। स्पार्क पाउडर दें, बीन के अंदर ब्लड रखेंगे अभी, रुको
बीन के अंदर ब्लड रखेंगे, ब्लड डाल इसके अंदर, उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर डाल दें। चलो भाई फाइनली यार भाई सेफ है अपना पीडी, पीडी बच गया। एक्चुअली में सर्वर बूस्टेड था इसलिए पीडी बच गया, वरना पीडी के बचने के चांसेस जो है ना कि जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। ठीक है सर्वर बूस्टेड है, उसकी हेल्थ काफ़ी तगड़ी वाली इसलिए बच गया। मैं सर्वर की जो सेटिंग है ना वो ठीक कर दूंगा मैं, ठीक है क्या है ना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। अभी पीडी बच गया ना तो भी अच्छी बात है, वैसे पीडी बच गया करके बट क्या है ना पीडी मरता ना तो मेरे को नहीं आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता भाई, वो अलग बात है। बट कैसे गाइस डिफिकल्टी भाई नॉर्मल पे होती है ना डिफॉल्ट पे तो अलग से मज़ा आ जाता है गाइस, ठीक है मतलब वो अलग से वो हो जाता है गाइस क्या बोलते हैं मतलब कि हाँ डिफिकल्टी है खेलने में भाई ऐसा मज़ा आ जाता है। कोई डायनो पिनो मरे तो फिर लगता है यार हाँ भाई सच में कोई चीज़ मरी है इंपॉर्टेंट वाली, वरना सर्वर बूस्टेड होता है तो सीन क्या हो जाता है, अरे कोई ना भाई एक और भाई नॉर्मल डायनो पकड़ लेंगे उसको थोड़ा सा लेवल अप करेंगे उसका डैमेज जाएगा मिलियन में, वैसा सीन होता है। सो इसलिए सर्वर को मैं भाई थोड़ा ठीक कर दूंगा। हमारे पास गाचा आ चुका है, ये गाचा के साथ मुझे थोड़ा सा गाचा करना है भाई, ठीक है ये गाचा को मुझे इधर रख देना है। अच्छा बाहर ही रहेगा क्या, गाचा को यहाँ पे रख दो। कार्ड फिंडेड टारगेट एरिया ठीक है यहाँ पे रहेगा, और इसको ना इसके ऊपर क्रिस्टल आते हैं, वो क्रिस्टल कहाँ पे जमा होंगे बताएं, सुप्रीम गाचा कलेक्टर में, इसमें जमा होगा। इसको चलाने के लिए कुछ चाहिए होता है, टर्न ऑन करना है बस, टर्न ऑन कलेक्शन गाचा, हाँ ये टर्न ऑन हो चुका है। अभी गाचा का सैडल बना लेना है मुझे, रिसोर्स गाचा सैडल जो कि इन्वेंटरी में इजीली बन जाता है, और वो इसको पहना देना है। और इसकी क्राफ्टिंग स्पीड जो होगी क्राफ्टिंग स्किल, इसको फुल अपग्रेड कर देना, फुल जितने पॉइंट है इसके क्राफ्टिंग स्किल में डाल दो। मैं आपको बता देता हूँ कि क्रिस्टल आपको जल्दी जल्दी कैसे मिलेंगे। उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद जाना है और भाई 10-20 हज़ार स्टोन उसके जो है ना गाइस इन्वेंट्री में हम लोग को ऐड करके रख दे रहे हैं, जिससे जो है ना उसकी इन्वेंट्री भाई फुल रहती है और वो जो है ना गाइस हम लोग को क्रिस्टल बिल ज़्यादा मात्रा में दे देता है। ठीक है मैंने भाई ये ट्राई करा है इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ओके ये वर्क करता है एक्चुअली में। ओके आज तो भाई लकी दिन है, मरा एक बार मरा मैं, मेरे को लगा मेरा पीटी भी जाएगा, मेरा कल्याण हो गया बट बच गया मेरा पीटी, लकीली बच गया गाइस पीटी जो ना बाल बच गया बेसिक मरते मरते बचा। और आई एम हैप्पी गाइस कि अपने पास एक रिसोर्स गाचा भी आ चुका है जो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे वाले रिसोर्सेज भी देगा। और गाइस पहले आर्क सुप्रीम खेले थे उसमें चार चार बॉस नहीं था, अभी आपने देखा नाइटमेयर चार चार पे आ चुका है। ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग बॉसेज जो है ना सुप्रीम में आ चुके हैं, सुप्रीम जो है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है मेरी जान, ठीक है काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका है और काफ़ी सारे अलग अलग बॉसेज आ चुके हैं जिनसे हम लोग पंगा जो है ना गाइस वो फ्यूचर में लेने वाले हैं गाइस, ठीक है तो मिस बिल्कुल नहीं करना आर्क सुप्रीम के कोई भी एपिसोड्स। एंड अभी के लिए तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे भर भर के स्टोन इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सीमेंटिंग बेस बनाने के लिए भी स्टोन चाहिए और हमारे गाचा के अंदर इन्वेंट्री में डालने के लिए भी स्टोन चाहिए। मेरे हिसाब से इतने से काम हमारा बन जाना चाहिए। रुको मैं यहाँ से थोड़े एक्स्ट्रा उठा लेता हूँ स्टोन, स्टोन की बहुत कमी पड़ रही है यार मेरे को। तोड़ दे भाई दबा के तोड़ दे भाई सारे स्टोन। चलो ये भी बचा है 6,000, लगभग 30,000 स्टोन गाइस यहाँ से लेके जा रहा हूँ मैं। ओके और एक शील्ड बिल्ड वो भी बना लूँगा मैं अपने घर के लिए, ये देखो अभी मेरे घर के साइड में घूम रहा है, जब ज़रूरत थी ना तब भाई एक भी नहीं दिखा, अब जब मेरे पास पहले से पीटी है ना तो अभी मेरे घर पे आ रहे हैं ये बोलने के लिए कि भाई मेरे को टेम कर लो करके, नहीं करेगा टेम जाओ। ये ले भाई आराम से अभी तू क्रिस्टल देते रहे ठीक है। एंड सीमेंटिंग पेस्ट आराम से बनते रहना चाहिए दबा के ठीक है, यहाँ पे भी दबा के सीमेंटिंग पेस्ट बनते रहना चाहिए। कल जो ना कैसे हम लोग हमारे लिए एक यहाँ पे खूबसूरत सा ग्रीन हाउस जो ना कैसे ऊपर बनाएंगे छत के, मतलब ट्रिपल स्टोरी डबल स्टोरी अपना घर जो ना कैसे वो हो जाएगा ठीक है, एक ग्रीन हाउस होगा भाई यहाँ पे ठीक है एकदम खूबसूरत सा। बाकी टॉयलेट वगैरह वगैरह जो चीज़ें वो सारे अपन लोग भाई बना लेंगे फ्यूचर में ठीक है, मतलब जब हम फार्मिंग बिर्मिंग चालू कर देंगे तब। तो अभी के लिए कैसे हमारा ये वाला जो एपिसोड है ना वो यहीं पर खत्म हो जाता है आर्क सुप्रीम का, मिलते जुदा गए सबसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर एपिसोड पसंद आया होगा तो शेयर भी कर देना इस वीडियो को। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस सी यू लेटर।